हम लोगों, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग डेटा सेंटर में काफी सारी एप्लीकेशंस अपने यहाँ होस्ट करते हैं, तो हमें समस्त एप्लीकेशन जिन जिन डिपार्टमेंट्स की चलती हैं उन समस्त एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते रहते हैं। तो जब हम उसमें कोई भी ऑपरेशंस रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डोरमेंट मोड में हो और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले, मतलब परसों पता चला, और हमने फिर तुरंत, जैसे ही हमारे कुछ सिस्टम्स में, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर के टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपने पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने, हमारे पास लगभग 700 VMs बोलते वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है, तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और अब हम लोग हल्के हल्के, आज जैसे कि कल हमारा पूरा स्वान नेटवर्क अप हो गया था, और हम हर वेबसाइट की हर एप्लीकेशन, हमारे पास 186 एप्लीकेशन होस्टेड है विभिन्न विभागों की, और हर एप्लीकेशन को हम लोग चेक करते हुए, स्कैनिंग करते हुए हल्के हल्के उसको अप कर देंगे। आई थिंक वजह जो कि ये वायरस कहाँ से आया या जो सोर्स है, वो सोर्स बेसिकली डिटेक्ट कर पाना अभी एनालिसिस, उसका लॉग एनालिसिस बोलते हैं, वो चल रहा है, हमारी टीम्स उसमें लगी हुई है। बट क्योंकि वो एनालिसिस बैकवर्ड्स चलता है कि आज मैं पहले 2 दिन का लॉग देखूंगी, फिर मैं 1 हफ्ते का देखूंगी, 15 दिन का, 30 दिन का, तो वो सोर्स निकालने में अभी उस तरीके से हमें टाइम लगेगा। हमारा पहला प्रायोरिटी यही है कि हम अपने पूरे सिस्टम की स्कैनिंग करके उसको अप करें। तो ये प्रोसेस, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, सिस्टम्स बहुत ज्यादा हैं, उस तरीके से उसको स्कैनिंग करने में टाइम लगा। एज सच मुख्य तौर पर कुछ प्रभावित नहीं है, इट्स जस्ट दैट जो मैं आपको बता रही हूँ, हमने अपने अपने पूरे डेटा सेंटर को ही अभी डाउन करा हुआ है। तो इट्स जस्ट दैट जब तक मैं अपने पूरा डेटा सेंटर का एक प्रॉपर मेंटेनेंस और जो एक्सरसाइज हम जिसे बोलते हैं कि प्रॉपर स्कैनिंग एक्सरसाइज ना चला लूं, मैं उसको अप नहीं कर सकती। तो जितनी भी 186 एप्लीकेशन, जब मेरा डेटा सेंटर पूरा बंद है, तो मेरी जितनी एप्लीकेशन उसमें है 186, जैसे अगर मैं अपने ITG की बात करूँ, तो हमारा ई ऑफिस चलता है, CM हेल्पलाइन चलता है, अपनी सरकार चलता है, बाकी विभागों की भी कोई चीज़, ट्रांसपोर्ट की अपनी एप्लीकेशन चलती हैं, टूरिज्म की वेबसाइट चलती है, सब विभागों की जो जो हमारे यहाँ होस्टेड रहती है लगभग, नहीं नहीं इम्पैक्टेड कुछ नहीं है, इम्पैक्टेड अपनी सरकार कुछ नहीं है। तो एज सच हमारी सारी वेबसाइट, सारा हमारा डेटा सब सेफ है। सो आपने जैसे बोला, नहीं नहीं वो अब साइबर अटैक बोला गया, बट आपने जैसे बोला कि वो वायरसेस जो हमारे सिस्टम्स में आए हैं उसका सोर्स क्या है, तो उसी के लिए मैंने बताया कि हम लोग का लॉग एनालिसिस चलेगा, हमें समझ में आएगा कि क्या वो सिस्टम क्रिएटेड वायरस है क्योंकि, या फिर कहीं बाहर से, तो वो हम लोग को लॉग एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। एज सच मैं इसमें कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है, ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला, टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे, तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बात है, वो तभी हमें पता चल पाएगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं। एज अ प्रोटोकॉल हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग STF को रिपोर्ट कर देते हैं या सर्टिन को रिपोर्ट करते थे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, तो हमारी भारत सरकार की एजेंसी NCIPC, हम इन सबको रिपोर्ट कर देते हैं, तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों में जानकारी रखते हैं, वो उसको देखेंगे, वही बता पाएंगे, इसमें मैं ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं। वो एज अ प्रोटोकॉल हम लोग उनको सूचना जरूर भेजते हैं कि हमारे यहाँ ये डिटेक्ट हुआ है, तो क्योंकि उन लोग के अपने पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको पता होता है, इस तरीके से वो लोग बता पाएंगे हम लोग को। तो केंद्र की एजेंसी हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़ी हुई है, कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे भी आ गए हैं, तो हमारे सिस्टम, हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, और उसके बारे में पता लग पाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।